इंस्टॉल कर। अच्छा, लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड की तरफ आते हुए क्या होता है जी? कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। प्रीवियस क्लास में हमने किया कि कोवलेंट करेक्टर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, आयोडाइड का बड़ा है, वो आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन खींच देता है तो आयोडाइड पोलराइज्ड हो जाता है। ये आपने इतना कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कोवलेंट होगा, जो चीज कोवलेंट है वो तो बेटे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कार्बन डाई टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और जो आयनिक चीज होती है, बाकी सारी हेलाइड्स इस ग्रुप की, वो आयनिक है तो वो वाटर में डिजोल्व कर सकती है, क्योंकि वो वाटर पोलर है, वहां पे डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकती है, तो उसमें हो सकती है। अच्छा, लिथियम फ्लोराइड हम कहते हैं जी कोवलेंसी का करेक्टर इस तरह बढ़ता है, तो लिथियम फ्लोराइड थोड़ी सी आयनिक है, ठीक है बेटे, थोड़ी सी आयनिक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये लिथियम जब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देती है, लिथियम जब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन बेटे दे देती है, तो ये जो फ्लोरीन है ये रिसीव करने के बाद बॉन्ड तो आयनिक बनना ही बनना है। अच्छा, इसकी अब पोलराइजेशन नहीं होती इतनी, क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटा है। फजान रूल ये कहता है जितना साइज छोटा कैटायन का होगा और एनायन का जितना बड़ा होगा ना, उतनी ज्यादा कोवलेंसी की तरफ जाएगा। कोवलेंसी की तरफ आयनिक बॉन्ड आने का क्राइटेरिया यही है कि कैटायन का साइज छोटा, एनायन का बड़ा। अगर एनायन भी छोटा है तो इतनी पोलराइजेशन नहीं होती, तो आपका क्या होता है, जो बॉन्ड है वो आयनिक ही रह जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है बेटे, हालांकि ये आयनिक है, इतना कोवलेंट नहीं है जैसे कि लिथियम आयोडाइड है, फिर भी ये वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं करता? ठीक है, ये इसलिए डिजोल्व नहीं करता क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉरी आयनिक इंथैल्पी या बॉन्ड क्लीवेज करने की इंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है। ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो डिजोल्व करेगा, ठीक है। यू नीड अ इंथैल्पी टू ब्रेक अ बॉन्ड, तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर टूटेगा ही नहीं तो वाटर में डिजोल्व कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसलिए लिथियम फ्लोराइड वाटर में डिजोल्व नहीं होता। दूसरा इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो, एक लिथियम वाटर फ्लोराइड क्यों नहीं करता, हालांकि ये आयनिक है, तब भी नहीं, क्योंकि इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, सीजियम आयोडाइड क्यों नहीं वाटर में डिजोल्व करता, ये भी वाटर में डिजोल्व नहीं करता। क्यों बेटे? आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये भी कोवलेंसी की तरफ चला जाता है। तो आयोडाइड का साइज बड़ा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, रेप्रोबेट रीजन है बेटे, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो बहुत कम है। हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्या चीज जल्दी हाइड्रेटेड हो जाती है? जितना कोई छोटा होगा उसके ऊपर डेंस पॉजिटिव या डेंस नेगेटिव चार्ज होगा, अराउंड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं, दैट इज वाई उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। अब सीजियम भी बड़ा है, अपने के टाइम में सीजियम भी बड़ा है और आयोडाइड भी बड़ा है, अगर ये दोनों वाटर में जाएंगे, साइज दोनों का बड़ा है, तो जो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो कम रिलीज होगी, कम हाइड्रेटेड होंगे, तो इसलिए ये वाटर में डिजोल्व नहीं करते। ये बॉन्ड नहीं टूटता, और इसके अगर बॉन्ड टूट भी जाता है तो ये हाइड्रेटेड नहीं होते। गॉट द पॉइंट? यस और नो? इन दोनों में ये चीज आपको आनी चाहिए, यस और नो बेटे? ओके, ठीक है। तो लिथियम फ्लोराइड टूटता नहीं है, ये टूट जाएगा तो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नहीं है। हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज कम हो, उतना डेंस पॉजिटिव या डेंस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फॉर द पॉइंट? ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आपने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। तो देखो, अल्कली के बाद अब सिलेबस में कुछ भी नहीं है, सारे कंपाउंड्स तो आपके डिलीट हो गए, चाहे सोडियम कार्बोनेट है या कुछ भी, एवरीथिंग इज डिलीटेड। तो आपने सिर्फ
फोर प्रॉपर्टीज करनी है, मींस वो ऑक्साइड्स बन गई, हाइड्रोक्साइड बन गई, हाइड्राइड्स बनानी है, और अभी जो हमने करी हेलाइड्स, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है। अब हम कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट। अब ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस ही करना है, आप आंसर दोगे, यू विल रेज द हैंड एंड गिव मी द आंसर्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या आ गया बेटे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अगेन रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव, और बाकी जो है आपको पता है कि डाउन द ग्रुप ये ऑर्डर होता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, दैट इज 4, इसका भी 12, दैट इज 20, 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 38, है ना? उसके बाद कितने प्लस करोगे? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स प्लस करने होते हैं बेटे, 2, 8 प्लस करे, 18 प्लस करे, देन 36 प्लस करे, ऐसे करके आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? 10^n² का रूल करके उतने उतने इलेक्ट्रॉन प्लस करते रहो और आपका आंसर आता जाता है, ठीक है? वैसे ही जैसे हमने एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करी, इन द सेम वे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करोगे। तो सबसे पहले इनर नोबल गैस आ जाएंगे, तो हमें पता है नोबल गैस क्या है, हीलियम, देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ीनोन एंड देन रेडॉन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ गया, 2s2, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 6s2 एंड दिस इज 7s2, ठीक है? तो इसमें से ये वाला जो रेडियो एक्टिव हो गया, और ये जो बाकी है दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। तो इनमें इनर नोबल गैस कन्फ्रिगेशन फील्ड है, और आउटर में 2s2 3s2। तो आउटर शेल कन्फ्रिगेशन ये है हमारी, तो इससे हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसी शेल में दोबारा से सेकंड इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्योंकि हमें पता है एस सब शेल में एट ए टाइम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ग्रुप में ये दोनों, इसलिए एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं जी, 2 ग्रुप हैं आपके, ठीक है? और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हम बोलते हैं NS1 2 2। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपकी शेल बता रहा है। तो आपकी शेल कौन सी फिल होनी शुरू हो गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये आपके पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये सेवन। चले स्टार्ट करें, आप मुझे आंसर दो। आई विल आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अच्छा, इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो पहले वाले ग्रुप से ज्यादा होगा कि कम होगा, हरी आप बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, उसके बाद आपने आंसर देने हैं मुझे। एटॉमिक आयनिक रेडियाई अलोंग द पेयर्ड एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, हरी आप विल टेल मी, जस्ट रेज द हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स अगर आप बोल सकते जल्दी। हरिया, एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड इट इंक्रीज और डिक्रीज, हरिया डिक्रीज इंक्रीज, काव्य सिंह नो, काव्य डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो इनका एटॉमिक रेडियाई अगर हम एल्कली मेटल से बात करें तो इनका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा या कम होगा, तो आपने बोला डिक्रीज, ठीक है? अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनका ज्यादा होगा या कम होगा, पीरियोडिक, तो इनका अल्कली से तो कम होगा, वैसे बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप को तो बिलोंग करते हैं, ज्यादा दूर तो पड़े नहीं है, तो इनका बाकियों से ही ज्यादा होगा, ठीक है? ओके, अच्छा, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, ये तो हमने
will do this also. Alkaline earth metal, they are known. Why they are known as alkaline earth metals? उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? यस हरी अप एनीवन, बिकॉज एक्वो सॉल्यूशन. नो एक्वो सॉल्यूशन की तुम बात, वो तो बेटे अल्कलीज हैं जैसे NaOH, KOH, क्योंकि जो इनकी ऑक्साइड्स है ना बेटे, अर्थ का मतलब है कि कुछ अर्थ में पाया जाता है ना, जो इनकी ऑक्साइड हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और उनकी नेचर एल्केलाइन होती है. ठीक है, मेटल की नेचर नहीं आप एल्केलाइन बोलते, आप बोलते हो कि इनकी जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर एल्केलाइन होती है एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. मैम पीयर में डिक्रीज करता है, हाँ जी बेटे पीयर में डिक्रीज करता है, पीयर में एटॉमिक रेडी डिक्रीज करता है ना, शेल रिमेन द सेम और आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज आपको एग्जांपल नहीं देते थे जूनियर क्लासेस में, आपका जो मैग्नेट है उसकी पावर इंक्रीज कर रही है, मैग्नेट तो बढ़ा रही हो मगर आपकी जो रिंग्स है वो क्या कहते हैं, रिंग उतनी रह गई है. आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रैक बिछाया हुआ है अलोंग द पीरियड, अगर टू शेल्स हैं तो शेल्स सेम है, आप हर बार इसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हो. जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेगी तो साइज डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप. नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज या मैग्नेट की पावर हम कहते हैं जैसे, तो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, मगर शेल इंक्रीज करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. आप कभी भी, मैं हमेशा आपको क्लास में ये चीज बोलती हूँ बेटे, यू विल नॉट राइट अगर एटॉमिक रेडियस की कंसर्न में कुछ भी आता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि शेल इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, तो योर आंसर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा. ये देखो अगर 4 प्रोटोन इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटोन भी है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटोन भी है, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है. उसके बाद आ जाओ बेटे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस हाँ जी बताओ जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए अल्कली मेटल से? बातें कर ली आज, यू विल टेल मी फिर आपके कंसेप्ट. अच्छा इसको करने से पहले लेट अस डू मेल्ट मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल की बॉन्डिंग, तब आपको जल्दी ये समझ आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाँ जी मेटालिक बॉन्डिंग बताओ, ये स्ट्रॉन्ग मेटल होने चाहिए या मतलब इनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अल्कली मेटल से या कम होना चाहिए? यस बेटे जल्दी, लो मेल्टिंग पॉइंट, अल्कली से कम होना चाहिए. अर्शदीप कह रहा है जी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हाँ जी और कोई स्ट्रॉन्ग, क्यों स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, होते तो ये भी इतने हार्ड मेटल्स तो नहीं है जैसे डी ब्लॉक है. हाँ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. देखो बेटे मैंने उस दिन भी बताया मेटेलिक बॉन्ड जो प्रॉपर्टी है ना वो कर्नल्स और वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है. जितना कर्नल छोटा होगा और वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ना उतने फोर्सेस बढ़ जाते हैं. अब हमें पता है अलोंग द पीरियड आते आते साइज छोटा हो जाता है, मतलब कर्नल छोटा हो जाते हैं. वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अल्कली में 1 थे, इसमें 2 है, तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना. जब 2 वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये आपका कर्नल है, दिस इज अ कर्नल, वो छोटू सा बन गया और वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2-2 बन गए. अब 2 इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब जो मेटेलिक बॉन्ड है वो अल्कली से क्या हो जाएगा बेटे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है जितने आपके वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और जितना आपका कर्नल का साइज, तभी तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं उनको बोला जाता है हार्ड मेटल्स. आप कॉपर देखो, आयरन देखो, ये सारे हार्ड मेटल्स की तरफ आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो कर्नल का साइज छोटा हो जाता है और वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाते हैं, वो बाहर निकले होते हैं
दे आर लूजली बाउंडेड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है. ठीक है, इन द सेम वे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. अब आप बताओ, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होगा? हरियप, यस, जल्दी. अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स. ठीक है, अच्छा डाउन द ग्रुप आ जाओ. डाउन द ग्रुप क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? हाँ, हाई नहीं कह सकते, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, दे हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस, नाउ टेल मी इफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते वक्त क्या होगा? हाँ जी, एनीवन? इंक्रीज, चलो ये बता दो इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज, डिक्रीज का वे राइटिंग, और कोई? और कोई बेटे? हाँ डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है. आप खुद इंटेलिजेंट हो जाओ. आप नीचे जाते वक्त देखो बेटे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रह रहे हैं, कर्नल का साइज बढ़ता जा रहा है. कर्नल्स का साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. देखो जब आप नॉन मेटल्स की बात करोगे ना, तब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करोगे, याद रखना. जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं. ठीक है, जब हम बेटे नॉन मेटल्स की बात करते हैं तब हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं. तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्राइटेरिया होता है साइज का. जैसे जैसे साइज बढ़ता है तब हम कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दी थी, जैसे बेटे हाइड्रोकार्बन में साइज बढ़ता गया तो आप कहते हैं वो गैसेस से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते जाते हैं. मगर जब हम इनकी बात करते हैं मेटल्स की, तब हमारा क्राइटेरिया होता है कर्नल्स का. जितना छोटा कर्नल होता है, अगर वैलेंस या इलेक्ट्रॉन सेम है तो जितना छोटा कर्नल होगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना पाएगा. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. यही उल्टा होगा नॉन मेटल्स के केस में, क्योंकि हमने आगे पी ब्लॉक स्टार्ट करना है तो आपको ये भी देखेंगे हम. हाँ जी, बात समझ आई इतनी? यस और नो? एक एक आधा ना थम्स अप आ जाता है बस. टू, हाउ मेनी थम्स अप? टू, थ्री, फोर, फाइव, बस. रेस्ट ऑफ ऑल यू आर स्लीपिंग. ओके, तो हमारा हो गया बेटे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेटेलिक. नाउ कम टू आयोनाइजेशन इनथैल्पी. हाँ जी, अब यहाँ पे बताओ जरा आयोनाइजेशन इनथैल्पी. एनर्जी required to remove an electron from the isolated gaseous atom. तो इनमें energy ज्यादा required होगी या कम required होगी? Along the pair increases, तो इनकी ज्यादा होगी कि कम होगी? Hurry up. More as compared to alkali metals. बिल्कुल सही बेटे. अगर हम फर्स्ट की बात करें, there are two ionization enthalpy, है ना? तो अब इनकी ये shell complete है, तो जो first ionization enthalpy है वो alkali metal की first ionization enthalpy से more होगी, है ना? This is a more. This is alkaline earth metals and this is alkali metals.
अब आप मुझे बताओ सेकंड किसकी ज्यादा होगी। अच्छा ये आपको पता ही है कि लॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है, एक तो इनका जो ये है 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, वैसे भी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इनकी फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से। अब सेकंड किसकी ज्यादा है, अल्कली की या अल्केलाइन की? सेकंड सोचो किसकी ज्यादा है, अल्कली की या अल्केलाइन की? यस एनीवन? The two students are giving answers, Kavya and Arshdeep. बाकी सारी क्लास हो रही है, जल्दी बोलो। अरे सेकंड किसकी ज्यादा होगी बेटे? एल्केलाइन क्यों? ऑब्वियस गिविंग एल्केलाइन। हाँ जी, एनीवन मोर वांट्स टू गिव द आंसर, रिद्धि इज आल्सो राइटिंग एल्केलाइन। एनीवन मोर? अरे बेटे अल्कली की होगी, अल्कली की। आप सोचो जब आपके अल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये तो नोबल गैसेस बन जाती हैं। अल्कली मेटल्स में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 है। जब इसमें से वन इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये तो टू है ना, उसमें से वन इलेक्ट्रॉन है, ये सारे वाहन है अल्कली वाले भी। तो हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में ये किया है, ये सारे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 यही है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद इनका तो नोबल गैस कंफिगरेशन होगी भाई, तो इनसे सेकंड निकालना हमारे लिए और डिफिकल्ट है। इसका मतलब हमारी इसमें से जो सेकंड वाली है वो इनकी ज्यादा होती है एल्कली मेटल्स की, क्योंकि एक निकलने के बाद इनकी कंफिगरेशन नोबल गैस बन जाती है। ये चाहे हाफ फिल्ड कंफिगरेशन बन गई मगर ये तो नोबल गैस है भाई, तो इनकी ज्यादा हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये ऐसे नहीं पूछा जाता कि अल्कली मेटल्स की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फर्स्ट है ज्यादा और अल्कली मेटल्स की सेकंड है। आपको बोलेंगे अगर देखा जाए कि सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थैलेफीज लेस देन मैग्नीशियम, इन दोनों को कंपेयर करके, ये बोलो सोडियम है की फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थैलेफी इज लेस देन मैग्नीशियम, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मोर देन मैग्नीशियम। आप बोलोगे फर्स्ट इसलिए ज्यादा है मैग्नीशियम की क्योंकि हमें पता है अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो जाता है, तो वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, मैग्नीशियम में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज वाई फर्स्ट मैग्नीशियम की ज्यादा है। मगर आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल दैट इज सोडियम will require noble gas configuration. If it require noble gas configuration, तो second किसकी ज्यादा हो जाएगी, अल्कली की। Got the point? Okay? Yes or no? हाँ ठीक है, आ जाओ आगे बताओ बेटे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, यस, आर दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। I am erasing now this fifth property, electropositive
हाँ जी, अब बताओ जी, क्या ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? यस यस, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बस लेस एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, यस है ना। तो यस दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वही बेटे इनका साइज बहुत बड़ा है, इनमें से इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल दोगे और डाउन द ग्रुप ये करेक्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, क्यों प्लस वन क्यों नहीं है, प्लस टू क्यों है? हालांकि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी से सेकंड ज्यादा है, तो इनको क्या आएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे दे, क्यों इनकी पॉजिटिव टू है? They have to lose two ions, ions electrons to achieve nucleus. ठीक है बेटे, है ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे कि इनके पास नोबल गैस कंफिगरेशन आ जाए, इसलिए इनकी टू पॉजिटिव है। एक तो ये, दूसरा बेटे जब ये टू इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी, अब किसी ने जब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका अगेन कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा। जब केटाइन का साइज छोटा हो जाएगा तो जो इनका बेटे देखो एक लैटिक्स बनेगा, है ना, एक लैटिक्स बनेगा, क्रिस्टल लैटिक्स आप करोगे सॉलिड स्टेट क्लास प्लस टू में, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने वो दूसरे के साथ उतने ज्यादा लिंक हो जाएंगे, तो लैटिक्स इंथैल्पी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज किसी केटाइन के ऊपर अपियर होना शुरू हो जाता है उतनी उसकी लैटिक्स इंथैल्पी बढ़ जाती है। व्हाट इज लैटिक इंथैल्पी? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और वो उतनी एनर्जी ज्यादा होगी जितनी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये लूज कब करेंगे, जब कोई गेन करेगा, तो ये लूज और गेन कब होता है बेटे, ई नॉट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ई नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो अगर ये टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इनका जो लैटिक्स इंथैल्पी है वो बढ़ जाती है, और दूसरा आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स ये ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, तो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बढ़ जाती है। ये हम कल कंटिन्यू रखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द दिस हाउ हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीजिंग एंड हाउ हैलेटिक्स इंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपने तीन चीजें बतानी है कि ये क्यों एज हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉजिटिव टू, one is noble gas, one is lattice enthalpy, other one is hydration enthalpy. We'll continue tomorrow. Next lecture is going to be started.